नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। नैनीताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने एक नाबालिग किशोरी को होटल में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। जानकारी के मुताबिक तल्लीताल निवासी एक किशोरी सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन जब किशोरी का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इस दौरान नाबालिग के इस तरह गायब होने से पुलिस भी एकदम सक्रिय हो गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोरी को तल्लीताल के एक होटल से बरामद किया। साथ ही उसके साथ एक युवक को भी उसके साथ बरामद किया गया, जहां पूछताछ करने पर पता चला कि मूल रूप से चंपावत निवासी और दिल्ली में कार्यरत युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग किशोरी से नजदीकियां बढ़ाकर दोस्ती की, जिसके बाद बीते दिन युवक नाबालिग से मिलने नैनीताल पहुंच गया और उसे बहला फुसला कर उसे होटल में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। बताया जा रहा है कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्ची का पिता भी है। ऐसे में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कल एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी, एक मैडम ने आकर के एफआईआर पंजीकृत कराई थी कि उनकी बहन है जिसकी उम्र 16 साल है, उसको एक लड़का जो है यहाँ से बहला फुसला करके ले गया है और उसके साथ उसने कुछ इस प्रकार से अश्लील हरकतें करी हैं। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुलजिम को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब उसको विवेचना में जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है, माने आदमी प्रस्तुत किया गया। तो फिलहाल हमारी इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।